सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तासू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्क वर्म के बारे में। ओके, सो सिल्क वर्म की सारी स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे ऑलमोस्ट, जो कि इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस के बारे में। ओके, एंड रियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे सिल्क वर्म के, एंड उसके पेस्ट एंड डिजीज़ ऑफ सिल्क वर्म एंड होस्ट प्लांट एंड देयर मैनेजमेंट, उसके सारे के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि एमएससी जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर के सिलेबस में है, वो आता ही रहता है। सो इस वाले वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो सिल्क वर्म आर द लार्वा ऑफ द सिल्क मोथ बॉम्बे मोरी कॉमनली। ओके, आगे उनकी स्पीसीज के बारे में भी बात करेंगे। और ओके, सो विच इज़ नेटिव टू चाइना एंड सिल्क वर्म हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर ओवर 5,000 ईयर एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर सिल्क प्रोडक्शन। ओके, सो दे आर नॉट फाउंड इन वाइल्ड एंड डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर देयर सर्वाइवल। And silk worm basically have four-stage life cycle stage, that is egg, larva, pupa, and adult. So जब egg से है, जब larva बनेंगे, so larva के after 15 to 30 days larva है, वो सिल्क को वो स्पिन करते करते है, वो कोकून का फॉर्मेशन है वो करते हैं। ओके, से बाद में है वो कोकून में है वो अंदर डेवलप होकर प्यूपा से एडल्ट है वो बनते हैं। सो कोकून है वो फॉर्मेशन है वो करते हैं कोकून का। सो उससे है वो हमें है वो सिल्क निकालना पड़ता है। आगे हम देखेंगे हाउ टू हार्वेस्ट द सिल्क। ओके, सो शुरू करते हैं सिल्क वर्म स्पीसीज से। ओके, सो सिल्क वर्म आर द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिल्क। ओके, सो विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर टू क्रिएट textile. Okay, so there are several species of silkworm, each with its unique characteristics and uses. Okay, so below are the some of the different type of the silkworm that we discuss in this video. Okay, so Bombay mori, Antheraea pernyi, Antheraea mylitta, and Samia ricini, and Philosamia cynthia ricini। सो इन स्पीसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। सो शुरू करते हैं बॉम्बेक्स मोरी के बारे में। सो जिसके बारे में हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी है वो डिस्कस किया। ओके, सो दिस इज सो कॉमनली नोन स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म यही है बॉम्बेक्स मोरी। ओके, एंड ऑल्सो नोन एज द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म। ओके, so they are the primary species used in commercial productions of silk. Okay, so commercial production या commercial use के लिए जो primary species है वो यही है Bombyx mori. Okay, so and their cocoon are prized for their high quality silk. Okay, so they are native to China but have been widely introduced in many other part of the world. Okay, so because native state इनका जो है उत्पत्ति है वो चाइना में है, लेकिन अभी ऑल अराउंड वर्ल्ड में है, वो इसको काम में लिया जाता है। सो नाउ अब बात करते हैं एंथेरिया पर्नेई के बारे में। सो दिस इज द स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म दैट इज नेटिव टू चाइना, ऑल्सो दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम चाइना, and produce a type of silk known as Tussah or wild silk. Okay, so unlike the Bombyx mori, these silkworm are not domesticated. Okay, and live in the wild. Okay, so the silk they produce is coarser and less uniform than that of the Bombyx mori. Okay, so Bombyx mori है वो domesticated था, मतलब पालतू था, and ये है जो Antheraea pernyi है वो domesticated नहीं है, not domesticated यानी पालतू नहीं है। Okay, बात करते हैं Antheraea mylitta के बारे में। So also known as the tasar silkworm. So this species is native to India and produce a type of silk known as tasar silk. Okay, so the tasar silk is coarser and darker in color than the silk produced by Bombyx mori. So Bombyx mori से जो silk produce होता है, जैसे कि मान लो वो pure white है, so उससे वो darker है, वो होगा ये color में. Okay, so tasar silk is used to make shawl, okay, sarees and other clothing item. Okay, तो ये एक इमेज आप गूगल पर देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, जैसे कि बॉम्बैक्स मोरी है प्योर वाइट कलर में हमें वो दिखने को मिल रहा है, और तुसा और तुसार और तुसा जैसे कि एंथराई, जो दोनों एंथराई जीनस के हैं. सो एंथराई जीनस के दोनों ही है वो देख लो आप. तुसा ये वाला है और तुसा ये. सो ये है, इस वाले जो बॉम्बैक्स मोरी है इससे है वो डार्कर कलर में है. ओके, सो इसका सिल्क है वो डार्कर कलर में होता है एंथराई का बॉम्बैक्स मोरी से. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सामिया रिसनी के बारे में. ओके, सो दिस इज अ स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म दैट इज नेटिव टू इंडिया एंड प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ सिल्क नॉन एज इरी सिल्क. ओके, सो इरी सिल्क टाइप की सिल्क है वो प्रोड्यूसन है वो करते हैं सामिया रिसनी. ओके, सो इरी सिल्क इज ए creamy white silk. Okay, so creamy white silk and that is coarser and warmer than other type of silk. Okay, so it is often used to make winter clothing items such as shawl, blanket. Okay, and other type of silk से ज़्यादा coarser यानी खुरदरा type में है वो होता है. ठीक है. सो नाउ अगर हम बात करें फिलोसामिया साइनेथिया रिसनी के बारे में. सो दिस इज ए स्पीसीज ऑफ सिल्क वर्म दैट इज नेटिव टू जापान. Okay, so and produce a type of silk known as Japanese silk, and the silk produced by these silkworm is a lustrous and glossy silk. Okay, so with a golden yellow hue. So it is used to make high quality clothing items such as kimonos. Okay, so ये फिलोसामिया है, जापान से है वो, नेटिव इनका है वो कंट्री है. एंड लस्टर यानी चमकीले मुलायम होते हैं ये. ओके, और किमोनोस वहाँ की है वो जापान की वस्त्र होते हैं. ओके, सो सिल्क वर्म रियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में अगर हम बात करें. सो उनको किस प्रकार से वो देखभाल की जाती है, किस प्रकार से पाला जाता है. ओके, एंड किस प्रकार से है वो सिल्क है वो बाद में निकाला जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. सो वो सब बात हम यहाँ पे करने वाले हैं. सो सिल्क वर्म रियरिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन्वॉल्व सेवरल स्टेज including selection of silkworm egg, preparing the rearing environment, feeding the silkworm and managing their growth and health. Okay, and here are some general guidelines for each stage. Okay, so कैसे management किया जाता है. So पहले है वो हमें है वो सिलेक्शन करना पड़ता है एक अप्रोप्राइट एग्स का, सिल्क वर्म एग का. सो सिलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ एग फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स. सो द एग शुड बी क्लीन, यूनिफॉर्म इन साइज एंड कलर. ओके, एंड फ्री फ्रॉम एनी अबनॉर्मेलिटी और या फिर डिफॉर्माइट्स या फिर अबनॉर्मेलिटी कुछ भी उनमें नहीं होनी चाहिए. ओके, यूनिफॉर्म साइज में होने चाहिए, कलर में, और क्लीन होने चाहिए, हाइजेनिक. ओके, सो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखकर है वो सिलेक्शन करना होता है. ओके, सो प्रिपेयरिंग द रियरिंग एनवायरनमेंट लाइक सिल्कवर्म रिक्वायर्ड ए क्लीन, वेल वेंटिलेटेड स्पेस विथ ए कंसिस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ओके, सो द रूम शुड बी फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डस्ट. ओके, सो इनके भी पेस्ट होते, तो आगे हम बात करेंगे. सो उनसे है वो फ्री होने चाहिए, वो पेस्ट वगैरह कोई उनके होने नहीं चाहिए जिससे वो आगे इनको खतरा होता है, डिजीज़ होती है. सो ओके, सो ए ट्रे और ए बास्केट लाइंड विथ पेपर और मलबेरी लीव्स इज़ यूज्ड फॉर रियरिंग द सिल्क वर्म. ओके, सो मलबेरी लीव्स उनको खाकर है वो फीडिंग करते हैं इनके ऊपर सिल्क वर्म. सो उनका अरेंजमेंट है वो होना चाहिए. एंड फीडिंग द सिल्क वर्म, इसके बारे में बात करें. सो तो द प्राइमरी फूड फॉर सिल्क वर्म इज मलबेरी लीव्स एंड फ्रेश लीव शुड बी प्रोवाइड डेली. ओके, एंड एनी अनईटन लीव शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रे और बास्केट डेली ऑन द डेली. ओके, पर्पज. सो Silkworm required a lot of fresh leaves, and as they grow, the amount of leaves required increase. ओके, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनको है वो leaves की requirement है वो ज़्यादा होती जाती है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजिंग द ग्रोथ एंड हेल्थ. सो द सिल्कवर्म गो थ्रू सेवरल मोल्टिंग स्टेज और इन स्टार बिफोर दे बिकम मैच्योर स्टेज. ओके, so during each instar they shed their skin and grow. okay, so shed कर लेते हैं अपनी skin को and फिर है वो उसके अंदर grow करते हैं. so the rearing environment should be kept clean and free from dead silkworm and excrement. okay, so इन सारे है वो dead particles and excrement जो भी है particles होते हैं उनको है वो remove करना होता है, hygienic environment रखना होता है. और सिल्क वर्म कैन बी प्रोन टू डिजीज सच एज बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. ओके, सो उससे वो बचा के रखना होता है. सो इट इज़ एसेंशियल टू मोनिटर द सिल्क वर्म हेल्थ एंड एड्रेस एनी इश्यू प्रॉपर्ली. ओके, सो हार्वेस्टिंग द सिल्क, उसको कैसे निकाला जाता है. तो आफ्टर अबाउट 30 to 35 डे द सिल्क वर्म विल स्पिन कोकून. ओके, सो वंस द कोकून आर कंप्लीट they can be harvested. so this process involve killing the pupa inside and the cocoons by steaming or boiling and the unraveling the silk thread. okay, so उनको है वो kill करना होता है. okay, and then बाद में वो cocoon जो होता है बन जाता है, जो spin करके जो वो बनाते हैं cocoon. okay, so उसको है वो boiling steaming करके हमें है वो निकाल लेते हैं एंड अन रिवेलिंग करके. ओके, नाउ हम बात करते हैं फाइनल टॉपिक के बारे में, पेस्ट एंड डिजीज ऑफ सिल्कवर्म एंड या फिर होस्ट प्लांट्स एंड देयर मैनेजमेंट. ओके, सो होस्ट जो प्लांट होते हैं मलबेरी लीव्स के, उसके ऊपर भी है वो पेस्ट ना लगे. अगर लग जाएंगे तो वो लीव्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसे है वो खाते हैं, वो उनको ख़राब कर देंगे लीव्स को, जिससे है वो इनडायरेक्टली सिल्कवर्म पे ही है वो फ़र्क पड़ता है. ओके, सो इसीलिए उसको भी है इसी के साथ में टॉपिक के साथ में जोड़ा गया है, बिकॉज इससे है सिल्कवर्म को फ़र्क पड़ता है. ओके, सो सिल्कवर्म कैन बी ससेप्टिबल टू सेवरल पेस्ट एंड डिजीज and that can cause significant damage to the host plant and affect the quantity and quality of silk production. okay, so here are some common pest and disease of silkworm and their management strategies, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं. so pest के अगर हम बात करें तो pest की कैटेगरी में हम दो pest के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. so first है mites. So mite can damage the leaves of the host plant, so reduce the food availability for the silkworm. To manage mite, one can use insecticide like abamectin and cypermethrin or फेनप्रोपेर्थ्रिन. ओके, सो इन सारे इंसेक्टिसाइड का हम है वो 3 इंसेक्टिसाइड दे रखे हैं यहाँ पे, उनका है वो प्लांट पर है वो स्प्रे या फिर अप्लाई करके हम इन माइट से है वो बचा सकते हैं प्लांट को. ओके, मलबेरी लीव्स वाले प्लांट को. सो नाउ कैटरपिलर, जो कि ये भी पेस्ट का काम करता है. कैटरपिलर कैन ईट द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट एंड कंपेट विथ सिल्कवर्म फॉर फूड. सो जो मोस्टली कैटरपिलर है वो लीव्स को खाता है. ओके, सो मलबेरी लीव्स है अपनी, उसको भी है वो खा सकता है कैटरपिलर. सो टू मैनेज कैटरपिलर वन कैन यूज इंसेक्टिसाइड लाइक बैसिलस थुरिंजिएंसिस एंड डेल्टामेथ्रिन और इंडोक्साकार्ब. ये सारे इंसेक्टिसाइड है, उनका है वो लीव्स पे अप्लाई करके वो कैटरपिलर से वो बचा जा सकता है. नाउ हम अगर बात करें डिजीज़ के बारे में, बात करते हैं. सो पहला टॉपिक आता है मस्कार्डिन का. सो मस्कार्डिन, सो इट इज़ ए फंगल डिजीज काउज्ड बाय ब्यूवेरिया बेसियाना एंड इन्फेक्टेड सिल्क वर्म हैव वाइट और ग्रे पैचेज ऑन दियर बॉडी. ओके, सो ये एक फंगल डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है, एंड जब होता है सो उनके ऊपर है वाइट एंड ग्रे पैचेज है वो बन जाते हैं बॉडी पर सिल्क वर्म के, एंड दे में डाई बिफोर कंप्लीटिंग द कोकोनिंग स्टेज. ओके, सो द मैनेज मस्कार्डिन वन कैन यूज फंगिसाइड लाइक बिनोमाइल और कार्बेंडाजिम. सो कार्बेंडाजिम एंड बेनोमाइल इन सभी फंगीसाइड का फंगीसाइड देखो फंगी यानी फंगल जो बैक्टीरिया फंगल जो होते हैं साइड यानी उनको किल करना ओके फंजाई जिससे वो इन्फेक्शन हो रहा है सो उनको वो किल कर देंगे ये सारे ये फंगीसाइड है बेनोमाइल सो इनका है वो यूज़ करके हम वो जा सकते हैं इस डिजीज़ से ओके मस्कार्डिन डिजीज से. सो नेक्स्ट है फ्लेचेरी. सो उसके बारे में बात करें सो इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय बेसिलस बोम्बाइसिस ओके. सो इन्फेक्टेड सिल्क वर्म बिकम सॉफ्ट एंड फ्लेबी एंड देयर एपिटाइट डिक्रीज. सो डिजीज़ के बाद में ये फ्लेबी एंड सॉफ्ट एंड फ्लेबी हो जाता है. फ्लेबी यानी मतलब यू नो सॉफ्ट चर्बी होता है एक तो कोमल चर्बी टाइप में सो वो हो जाता है एंड उसका जो एपिटाइट है यानी भूख लगना है वो भी है वो उनको है वो कम हो जाता है ओके. सो टू मैनेज फ्लेचरी वन कैन यूज एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन और टेट्रामाइसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसका यूज करके हमें वो इनसे है वो बचा जा सकता है ओके. नेक्स्ट बात करते हैं पेब्रिन ओके. सो इट इज ए प्रोटोजोवन डिजीज काउज्ड बाय नोसेमा बोम्बाइसिस. सो इन्फेक्टेड सिल्क वर्म हैव ए डार्क स्पॉट ऑन देयर बॉडी एंड देयर सिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज ओके. सो टू मैनेज पेब्रिन वन कैन यूज डिसइंफेक्टेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मेलिन ओके. सो ये डिसइंफेक्टेंट है इनसे है वो बचा जा सकता है इस वाली डिजीज से ओके पोटेशियम परमैंगनेट एंड फॉर्मेलिन का यूज करके. सो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेसेरीज इस वाली डिजीज के बारे में. सो इट इज ए वायरल डिजीज काउज्ड बाय न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस. इन्फेक्टेड सिल्क वर्म बिकम sluggish and their silk production decrease okay. सो ये सारे है इनके लक्षण होते हैं इनको है वो याद रखना होता है ताकि है वो कभी इस प्रकार के सिम्टम है वो देखे जाए तो पता लग जाए कि कौन सी वाली है वो डिजीज इनको है सिल्कवर्म को. स्लगिश यानी ढीला डाला अगर वो सुस्त है एकदम ढीला डाला है वो चल रहा है सो ये सारे लक्षण है वो याद रखने होते हैं. सो अगर ढीला डाला हो रहा है सो वो है ग्रेसरी से इन्फेक्टेड है डिजीज से ओके. सो यहाँ पे हमने देखा डार्क स्पॉट ओके डार्क स्पॉट ऑन देयर बॉडी. सो इस प्रकार के वो सिम्टम से हमें पता चल जाता है कि कौन सी है इनके पास डिजीज है. सो टू मैनेज दिस ग्रेसरी डिजीज वन कैन यूज इंसेक्टिसाइड लाइक क्लोरोपाइरिफोस और मेलेथियन ओके. सो प्रिवेंटिव मेजर कैन ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग पेस्ट एंड डिजीज ऑफ सिल्क वर्म. सो दीज मेजर these measures include maintaining a clean and hygienic rearing environment and selecting healthy and disease-free, disease-resistant host plant and avoiding overcrowding of silkworm. Okay. So if you like this video, hit the like button and do not forget to subscribe this channel. और previous सारी जो playlist में आप देख लेना video है वो syllabus के regarding है वो सारी videos है वो channel पे आपको मिल जाएगी. और ये टाइप्ड है नोट्स है जो कि हैंड रिटन नोट्स थे उसके सेम बिल्कुल है वो आप देख सकते हो ओके. लास्ट में सिल्कवर्म ओके. सो ये टाइप्ड है वो नोट्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो इससे वो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक उससे वो आप ये हैंड रिटन एंड दोनों का ऑप्शन मैं दे दूंगा दोनों को आप डाउनलोड कर सकोगे एंड ओके. सो ये कुछ हैंड रिटन नोट्स के जो टाइप्ड है नोट्स है सो इसको भी डाउनलोड कर सकते हो ओके. बाय बाय.